Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. रायसेन जिले के औद्योगिक शहर के थाना सतलापुर के थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा मंडीदीप में चल रही ऑटो चालकों को बुलाकर बैठक ली गई व उनको समझाइश दी गई कि ऑटो चालक सभी नियमों के अनुसार ऑटो का संचालन करे, साथ ही साथ 18 साल से कम उम्र के युवक को गाड़ी चलाने न दे। यदि इस प्रकार कोई बात सामने आती है तो वैधानिक रूप से चलानी कार्रवाई की जाएगी एवं ऑटो रिक्शा जब्त किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ ऑटो चालकों को भी परेशानी सुनी, जिसमें कई प्रकार की समस्याएं ऑटो चालकों के द्वारा बताई गई, जिसको लेकर थाना प्रभारी महेंद्र सिंह ठाकुर ने आश्वासन दिया है कि जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। तहलका इंडिया के लिए अजय आहूजा की रिपोर्ट। ऑटो रिक्शा में ऐसा है सर कि साहब ने जो समझा ओवरलोड नहीं, हमने बोला सर ठीक है। दूसरी समस्या ये नाबालिग ना चलाए जी, उनकी वो भी समस्या है। दूसरी बात ये लाल बस वाली समस्या है जो ओवरलोड होकर चल रही है और कटबाजी कर रही है। अगर उनसे अगर हम लोग बोलते हैं तो बोलते हैं सरकारी बसें क्या कर सकते हो आप, अब सरकारी लाइसेंस तो सभी लोगों को दे रखा है और कमर्शियल किसी के पास नहीं है, सब पीली पट्टी वाली है, ऑटो हो या लाल बस हो। लेकिन अगर उनसे कोई अगर बोला जाता तो वो अभद्र व्यवहार करते हैं और मारने कूटने के लिए उनका उड़न खटोला भोपाल से आने की धमकी देते हैं। अब आपको थाना प्रभारी ने क्या आश्वासन दिया इस बैठक में? थाना प्रभारी जी ने ये बोला है कि उनको समझाया जाएगा ओवरलोड ना भरें, उसकी रनिंग कम करें और प्लस हमारे ऑटो स्टैंड से सवारी ना भरें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरियाब सिंह यदवंशी है। ये बताइए अभी आप सतलापुर थाने पर आए हैं जी, किस विषय पर आए हैं और थाना प्रभारी ने आपको क्या? सर हम सतलापुर में TI साहब के आदेश के अनुसार कुछ समझाने के लिए आए, बताने के लिए उन्हें बुलाया था, उसके लिए आए थे और हम लोग की भी समस्या काफ़ी थी जो कि हमें TI साहब से बताना था। समस्या ये आती है हमें कि लाल बस वालों से हम लोग को बहुत समस्या है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि जैसे ही हमारे सतलापुर चौराहे से टर्निंग लेते हैं बहुत स्पीड से जाते हैं, सतलापुर में भी उतनी जगह नहीं है कि जहाँ से टर्निंग हो सके, वहाँ भी कई बार हादसे होते होते बचे हैं। और ये लाल बस की समस्या से हम ऑटो वाले बहुत परेशान हैं, बेरोजगार हो चुके हैं, बेरोजगार पूरी तरह से हो चुके हैं। एक किलोमीटर के दायरे में ये लाल बस चली गई है जब से हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग और ओवरलोड भी चलते हैं, कटबाजी बताते हैं उनसे हम बहुत परेशान हो चुके हैं और हम लोग ना सवारी मिल पाती है ना कुछ पर पाती।